गुड आफ्टरनून एवरीवन, और एक बार फिर से मैं राजवी सर आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं रेल सेवा आचरण नियम पार्ट टू, और पार्ट टू में हम लोग देखेंगे जो 14 से जो हमारे नियम हैं उनको हम लोग आज पढ़ेंगे। उससे पहले जो हमारे 1 से लेकर के 13 तक के जितने भी रूल्स थे उन रूल्स को हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जो हमारे स्टूडेंट हमारे साथी हमारे दोस्त अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल फ्यूचर क्लासेस पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि रेलवे एग्जाम करके हमारा प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर मिल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 2 है इसमें हम लोग कवर करेंगे रूल नंबर 14 से करेंगे 13 से आगे। 13 में हमारे 13 में उपहार थे और 13 का और था वो था दहेज। उसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं रूल नंबर 14 जो है रेल कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन। तो ये क्या है, सरकार से पहले मंजूरी लिए बिना कोई कर्मचारी अपने सम्मान या विदाई के अवसर पर कोई मान पत्र नहीं लेगा और ना ही अपने या किसी दूसरे के समारोह में शामिल होगा, किंतु सेवा मुक्ति या ट्रांसफर पर आयोजित निजी और अनौपचारिक कार्यक्रमों या लोक संस्थाओं के साधारण और कम खर्चीले कार्यक्रमों पर यह नियम लागू नहीं होगा। फिर भी इस तरह के आयोजन में किसी पर चंदा देने के लिए दबाव डालना या ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों से दूसरे ग्रुप के लोगों के लिए चंदा लेना वर्जित है। तो हमने देखा कि जब भी कोई हमारी विदाई समारोह या अवसर होता है तो वहाँ पर कोई मान पत्र वगैरह हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब हमारा ट्रांसफ़र या फिर सेवा मुक्ति होती है तो उस समय अनौपचारिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हम जो कम खर्चीले टाइप के होते हैं उनमें जो है भाग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी से चंदा वगैरह नहीं, आप चंदा देने के लिए आप दबाव नहीं डालेंगे। अगर दबाव डाला तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये कहता है रूल नंबर 14। अब रूल नंबर 15 देखते हैं हम लोग, लिखा है निजी व्यापार या नौकरी। तो रूल 15 ये कहता है कि आप नौकरी के साथ साथ अपना कोई निजी व्यापार या कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते हैं। देखिए लिखा है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्मचारी का कोई कारोबार या व्यापार करना, किसी नौकरी की बात करना या उसे स्वीकार करना वर्जित है। वह अपनी पत्नी परिवार के व्यक्ति के स्वामित्व या प्रबंध करने वाले किसी काम जैसे बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का प्रचार करे तो इस नियम का उल्लंघन करता है। यानी कि आपकी पत्नी या परिवार में जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी आप कोई प्रचार वगैरह करते हैं तो वो भी जो है नियम का उल्लंघन माना जाएगा, किंतु यदि उसके साहित्यिक कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य कर सकता है, लेकिन उसके जो साहित्यिक कलात्मक और वैज्ञानिक कार्य हैं वो आप कर सकते हैं, यदि सरकार मना करे तो यह कार्य भी नहीं करेगा। वह किसी लोक संस्था या प्राइवेट व्यक्ति से अपने काम के लिए कोई फीस नहीं लेगा। और अगर आप किसी का कोई काम करते हो तो आप उससे कोई फीस नहीं लोगे। रेलवे सहकारी समितियाँ इसमें शामिल नहीं होंगी। पहले अनुमति लेकर वह अपने खाली समय में धर्मांत किसी पद्धति से मरीजों को दवा दे सकता है। अगर धर्मार्थ के रूप में या आप किसी को दवा वगैरह देते हैं खाली समय में तो उसके लिए अनुमति आप ले लो, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं। यदि उसके पास आवश्यक योग्यता हो और वह रेलवे में डॉक्टर ना लगा हो, पहले से अनुमति लिए बिना वह कोई चुनाव का पद नहीं ग्रहण कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इस तरह के पद के लिए पूर्व अनुमति जरूरी है। कुल मिला के आप समझ गए हो कि आप जो है निजी व्यापार नौकरी नहीं कर सकते हो, ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य के
के लिए आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। रूल नंबर 15, जो 15 का का इसमें और दे रखा है कि सरकारी आवास की दर किरायेदारी तथा खाली करना। सरकारी आवास की दर किरायेदारी तथा खाली करना। देखो भैया, अगर आपने सरकारी आवास ले रखा है तो आप उसे ये नहीं कि आप किराए पे दे दो किसी को, ऐसा करना नियम के उल्लंघन में आ जाएगा। और जब आप कहीं जाते हैं, आपकी सेवा मुक्ति होती है, ट्रांसफ़र होता है, तब उसको खाली करेंगे, खाली नहीं करते हैं तब भी नियम का उल्लंघन माना जाएगा। यही लिखा है रूल 15 में, तो हम पढ़ के सुनाते हैं। इस समय लागू किसी अन्य कानून में अपबंधित अलावा कोई भी रेल कर्मचारी उसे आवंटित सरकारी आवेश को किसी अन्य व्यक्ति को दर किराए पर, पट्टे पर अथवा रहने की अनुमति नहीं दे सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी में दूसरा पॉइंट है, रेल कर्मचारी को सरकारी आवास का आवंटन रद्द हो जाने पर आवंटन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे खाली करना होगा। और जो आवंटन आपको किया गया था वो रद्द कर दिया गया हो तो आप जल्दी से उसे खाली करेंगे। अब रूल नंबर 15 आ जाता है, पूंजी लगाना, उधार देना और उधार लेना। यानी कि आप कहीं पूंजी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो वो भी सरकार को बताना पड़ेगा। उधार किसी को देंगे नहीं, ना किसी से उधार लेंगे। देखिए, अगर कुछ ऐसा करना है तो उससे अनुमति पहले उससे पहले आप सरकार से अनुमति लेंगे। देखिए लिखा है, कोई कर्मचारी स्टॉक, शेयर या दूसरी तरह के सट्टे नहीं खेलेगा। अपने सरकारी काम में आड़े आने वाले किसी काम में न खुद पूंजी लगाएगा और ना ही किसी को अनुमति देगा। समझ गए, अपने सरकारी काम में आड़े आने वाली किसी काम में ना खुद पूंजी लगाएगा और ना किसी को अनुमति देगा। बैंक या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ साधारण व्यवहार के अलावा न ब्याज के थोड़ी रकम उधार दे सकता है और अपनी निजी नौकरी को पेशगी वेतन दे सकता है। बैंक में से आप ले सकते हो, लेकिन बाकी किसी को देनी है तो थोड़ी सी रकम दे सकते हो। शेयर दलालों या विधित प्राधिकृत तथा लाइसेंसधारी व्यक्तियों के द्वारा रेल कर्मचारी नए प्रासंगिक निवेशों पर धन लगा सकेंगे। और जो हमारे लाइसेंसधारी जो हमारे होते हैं या शेयर में वगैरह में, हम लोग लगा सकते हैं पैसा, किंतु बहुधा क्रय विक्रय करने को पट्टे माना जाएगा। लेकिन आप बार बार जो है आप कोई चीज़ खरीद ले रहे हो, खरीद बेच रहे हो, तो उसे पट्टे माना जाएगा। ठीक है, रेल कर्मचारी ना तो स्वयं ऐसा विधान करेगा ना ही अपने कुटुंब के मतलब परिवार के किसी सदस्य को करने देगा, जिससे उसके कर्तव्य के निर्वहन में कोई असर पड़े। कंपनियों के निवेशकों या मित्रों के आरक्षित कोटे से शेयर की खरीद को निजी उलझन वाला निवेश माना जाएगा। देखो यहाँ पे है, कोई हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जैसे कि पट्टे वट्टे खरीदने या पैसे लगा रहे इधर उधर हैं और फिर आप एक तरीके से नहीं कि पैसा कमा रहे हो और बाद में कोई दिक्कत हो जाए तो आपको नौकरी करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप ज़्यादा ना उधार किसी को देंगे ना उधार लेंगे, क्योंकि उधार दे दिया किसी ने नहीं दिया तब भी दिक्कत है हैं, और किसी से ज़्यादा उधार ले लिया तब आप दिवालिया हो जाएंगे, तब भी आपकी नौकरी में दिक्कत आएगी। तो इसलिए सरकार इन चीज़ों को मना करती है। रूल नंबर 16 था। अब है 17, दिवाला और आदतन उधारी। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ जाएंगी यदि वह किसी मामले में अदालत में फंसे तो तुरंत सरकार को रिपोर्ट कर देगा। यदि उसे कर्ज की वजह से गिरफ्तार किया गया हो तो नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। समझ गए, तो आपने कर्जा ले रखा है और आपको गिरफ्तार कर लिया गया हो कर्ज की वजह, तो आपको सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 हमारा रूल है, चल अचल और बहुमूल्य संपत्ति। हर रेल कर्मचारी पहले नियुक्ति पर सरकार को अपनी पर संपत्तियों और देनदारी के विवरण निर्धारित फार्म में देगा। उसमें शेयर, डिवेंचर, नगद उधारी में पाई संपत्ति आदि शामिल है। उसके बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी हर साल निर्धारित फार्म में अपनी हर प्रकार की अचल संपत्ति के विवरण देंगे। वाणिज्य विभाग के कर्मचारी जैसे आरक्षण क्लर्क, पार्सल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, चल गाड़ी परीक्षक, टिकट कलेक्टर आदि अपनी प्रत्येक पदोन्नति पर और सेवा मुक्ति के पहले अपनी संपत्ति के विवरण देंगे। यह विवरण विभाग अध्यक्ष के गोपनीय अनुभाग में रहेंगे। तो जैसे हमारी नियुक्ति होती है तो हमें क्या होता है कि
पहली नियुक्ति पर ही ये सब चीज़ें क्या करनी होती हैं, हमारा जितना भी चल अचल संपत्ति होती है उसकी जानकारी देनी होती है, रूल नंबर 18 कहता है। रूल नंबर 19 है, रेल कर्मचारियों के कार्यों और चरित्र का दोष रहित साबित किया जाना, और हम कर्मचारी जो भी हैं उनके कार्य जो हों वो दोष रहित, कोई दोष ना निकाल पाए, ठीक है, और चरित्र भी उनका दोष रहित होना चाहिए। किसी रेल कर्मी के सरकारी काम की कड़ी आलोचना हुई हो या उसकी वजह से उसकी मानहानि हुई हो तो सरकार से मंजूरी लिए बिना भय अदालत या प्रेस का आश्रय नहीं लेगा। जैसे कोई काम आपने किया और आपकी आलोचना हो गई, लोग बातें करने लग गए, या आपने कोई ऐसा काम किया जिससे एक आपको गाली या कोई किसी ने कुछ कहा है, ठीक है, तो आपको मतलब कहीं ना कहीं आपकी मानहानि हुई, तो आप अदालत में ऐसे नहीं जा सकते हो, ना ही मीडिया को ला सकते हो, ठीक है, पहले सरकार से आपको मंजूरी लेनी होगी, समझ गए, रूल नंबर 19 कहता है। रूल नंबर 20, गैर सरकारी या अन्य प्रभाव का प्रयोग। अब आप किसी भी जैसे गैर सरकारी जो है प्रभाव का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, देखिए पढ़ेंगे हम लोग अभी समझ जाएंगे, कोई सरकारी नहीं कोई कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी नौकरी के मामले में अपने हित साधन के लिए किसी उच्च अधिकारी पर कोई राजनीतिक या दूसरा प्रभाव नहीं डालेगा और ना ही डालने का प्रयत्न करेगा। जैसे आप अपनी नौकरी की कोई बात है तो आप क्या करोगे, किसी नेता वगैरह से कोई सिफारिश नहीं करवाओगे, ठीक है, ये रूल नंबर 20 कहता है। रूल नंबर 21 है, 21 है, विवाह के बारे में प्रतिबंध। कोई कर्मचारी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करेगा जिसका पति और पत्नी जीवित हो। जैसे कि लड़की है तो लड़की ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती कि जिसकी पत्नी हो, और अगर लड़का कोई कर्मचारी है तो वो ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता है जिसका पति जीवित हो, ठीक है। जिस कर्मचारी का पति पत्नी जीवित हो वह भी किसी के दूसरे के साथ विवाह नहीं करेंगे, हाँ, और अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो भी आप किसी से शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब तक आपकी पत्नी, जैसे आप लड़के मेल हैं तो आपकी पत्नी होगी और पत्नी जिंदा है तो आप किसी से शादी नहीं कर सकते हो, और अगर लड़की है आप कर्मचारी लड़की है तो वो किसी लड़के से शादी नहीं करेगी जब तक कि उसका पति ठीक ठाक है, मतलब जीवित है। यदि कोई कर्मचारी भारतीय नागरिक के अलावा किसी से विवाह करे तो उसकी सूचना सरकार को तत्काल दें। तो अगर आप किसी विदेशी से शादी करते हैं तो आप सरकार को उसकी सूचना दें। रूल नंबर 22 है, नशीले पेय और नशीली औषधियों का सेवन। देखो आप सरकारी नौकरी करते समय आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। देखिए पढ़ते हैं हम लोग, कर्मचारी अपने क्षेत्र में लागू नशे के नियमों का पूरा पालन करेगा, उपबनी ड्यूटी के अपनी होगा, ठीक है, अपनी ड्यूटी के समय वह किसी नशे के प्रभाव में नहीं रहेगा और उसके कर्तव्य पर नशे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर ना तो नशे की हालत में जाएगा और ना ही वहाँ नशे का सेवन करेगा। रनिंग कर्मचारी और गाड़ी पास करने से संबंधित कर्मचारी ड्यूटी शुरू होने के 8 घंटे के अंदर नशा नहीं करेगा और ना ही काम के समय उसका सेवन करेगा। तो जो लोग रनिंग स्टाफ में रहते हैं वो 8 घंटे पहले नशा नहीं कर सकते हैं और ड्यूटी करते समय भी नशा नहीं करेंगे, और जो कर्मचारी हमारे हैं वो अपने कार्य करते समय नशा नहीं करेंगे। रूल नंबर हमारा 22 जो है वो कहता है कि रूल नंबर 22 तो था ही, 22 का कहाँ है, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध। कोई भी रेल सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगाएगा, ठीक है। रूल नंबर 23 के अनुसार राष्ट्रपति को इन नियमों का अर्थ, देखो ये जो नियम है जितने भी हमने हमारे जो कंडक्ट रूल हैं आचरण नियम हैं, राष्ट्रपति को अधिकार होता है वो इनमें सुधार कर सके, ठीक है, हाँ, तो वही लिखा है, निर्णय करने का अधिकार है। नियम 24 के अधिकारियों के प्रत्यायोजन डेलीगेशन करने के बारे में कहा गया है। नियम 25 में नियमों को निरस्त करने के बारे में, 25 जो नियम है उसमें जो नियम है उनको निरस्त करने के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, तो 25 ये कहता है, और 26 में सभी संबंधित प्रशासनिक आदेशों के पालन के बारे में चर्चा की गई है। रूल नंबर 26 है वो अलग से नहीं दिया गया है लेकिन यही भी इन्होंने बता दिया कि 26 में क्या है, 26 में सभी संबंधित प्रशासनिक आदेशों के पालन के बारे में चर्चा की गई, जितने भी प्रशासनिक आदेश होते हैं उनके पालन करना होगा, ये हमको 26 में बताया गया है।
फिर से एक बार देख लो भाई, 23 में हमें बताया गया कि राष्ट्रपति इन नियमों का अर्थ का निर्धारण कर सकता है, यानी कि वो जो है चाहे तो इनमें बदलाव भी कर सकता है। 24 में है अधिकारी लोग जो होते हैं वो जो है इनका प्रत्यायोजन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में कहा गया है, डेलीगेशन कैसे कर सकते हैं वो इसके बारे में बताया गया। 24 में जो हमारा नियम है इनका वो डेलीगेशन प्रत्यायोजन कर सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे कर सकते हैं वो इसमें दिया गया रूल नंबर 24 में। 25 में नियमों को निरस्त करने के बारे में कि ये नियम निरस्त कैसे हो सकते हैं तो वो बताया गया है। 26 में जितने प्रशासनिक हमारे आदेश होते हैं उनके पालन के बारे में बताया गया है। तो ये हो गए हमारे टोटल 26 जो आचरण नियम थे, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 थे वो हमने कवर कर लिए हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे कि वो भी इंस्पायर हों पढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और अपने आने वाले फ्यूचर को और अच्छा बना पाएं। उनका भी प्रमोशन वो चाहते हैं तो जल्दी से कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। तो हम लोग मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।